नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। शराबबंदी के बाद भी नहीं थम रहा अवैध शराब का कारोबार। भागलपुर पुलिस ने 3000 लीटर शराब के साथ दो तस्कर को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आत्मा द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा। आगामी कार्य योजना को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले में 35,000 सीटें खाली। ऑनलाइन एडमिशन में छात्र नहीं ले रहे रुचि। पर्व त्योहार को लेकर सदर SDO ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। सुरक्षा एवं साफ सफाई सहित कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। और भागलपुर में स्नान करने गए युवक की तालाब में डूबने से हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। 0 माइल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान 2,920 लीटर देसी एवं विदेशी शराब के साथ दो शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड से शराब की बड़ी खेप भागलपुर लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 0 माइल थाना अध्यक्ष राजरतन के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। SSP ने कहा कि जांच के दौरान फ्लाईओवर के समीप पिकअप वैन से 197 कार्टून देसी शराब और 18 कार्टून विदेशी शराब के साथ दो शराब तस्कर मधेपुरा निवासी जितेंद्र कुमार एवं सहरसा निवासी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया। SSP ने कहा कि मद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया। भागलपुर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों एवं शराब के जो माफिया है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि झारखंड से कुछ लोग अवैध शराब को लेकर के बिक्री हेतु भागलपुर के रास्ते ले जा रहे हैं। तो इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SHO इंडस्ट्रियल थाना, SHO सबौर और SHO बरारी को निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा छापेमारी जब की गई तो एक पिकअप वान जिसमें 40 लोड था उसके अंदर से कुल 162 लीटर विदेशी शराब तथा 258 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है तथा दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों जो अभियुक्त हैं, एक मधेपुरा का है जितेंद्र कुमार तथा एक सहरसा का सौर बाजार का है अभिषेक कुमार उर्फ डब्लू। इसमें अन्य जो संलिप्त लोग हैं उनकी भी पहचान की गई है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आत्मा शासी परिषद की समीक्षात्मक बैठक शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में की। बैठक में 2018-19 में आत्मा द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों एवं कार्यक्रमों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। DM ने किसानों एवं खेती के हित में नवीनतम तकनीक के हस्तांतरण, किसान मेला, प्रशिक्षण और प्रत्यक्ष पर जानकारी ली और आगामी कार्य योजना विस्तार को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कतरनी धान उत्पादन के लिए चांदन नदी में सिंचाई को लेकर चेक डैम बनाने, कतरनी उन्नयन, जर्दालू, मशरूम एवं स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देकर बिक्री केंद्र मुहैया कराने पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी, सब परियोजना निदेशक आत्मा के सिंह, सहायक निदेशक उदान अजय कुमार, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण रविंद्र कुमार, जिला उद्योग केंद्र के GM KBK की डॉक्टर अनीता कुमारी, LDM मोना कुमारी, परियोजना उप निदेशक प्रभात कुमार सिंह, जिला मत्स्य पदाधिकारी समेत कृषि विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले के लिए 3 बार चयन सूची जारी करने के बाद भी लगभग 35,000 सीटें खाली है। इनमें से 9,000 सीटें अंगीभूत कॉलेज और 25,000 सीटें एफिलिएटेड कॉलेज में खाली है। जून माह में जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी तब लगभग 66,000 सीटों पर नामांकन होना था। स्नातक में नामांकन की धीमी गति से विश्वविद्यालय के अधिकारी भी चिंतित है। दरअसल जून माह में विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके बाद कई गड़बड़ियां सामने आई। वहीं DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया पारदर्शी है लेकिन सीटें खाली रह जा रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को ऑनलाइन नामांकन की सही जानकारी नहीं है। देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया जितनी बेहतर ढंग से संपादित की जा सकती थी उसको करने का प्रयास किया गया, क्योंकि पहली बार थी तो कुछ गलतियां हुई, कुछ देर भी हुई, लेकिन पूरी कोशिश की गई कि इसको बेहतर ढंग से संपादित करें। और अभी तक जो एडमिशन नहीं हुआ है इसको ऑफलाइन
आवेदन के लिए कहा गया है। आवेदन का मतलब होगा जो हार्ड कॉपी है वो अप्लाई जो किया है उसी को उसमें जमा करना है, अपने अपने विषय में जमा करना है। बहुत सारे विषय हिस्ट्री में और हिंदी में और इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में भी खाली हैं, साइंस के विषयों में भी खाली हैं। वो नेट पर देखें उन विषयों को और संबंधित कॉलेज में अपना आवेदन दें। और जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी इसको ऑफलाइन में बदलने की कोशिश इसलिए की गई कि बच्चों को बहुत मालूम नहीं हो पाता है कि कहाँ क्या चल रहा है, तो उसको हम लोगों ने सहज और सुलभ करने का प्रयास किया। भागलपुर के सदर अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर SDO आशीष नारायण ने की। इस दौरान बैठक में बकरीद, स्वतंत्रता दिवस और विषहरी पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। शांति समिति के सदस्यों ने पर्व त्यौहार के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था करने की बात कही। वहीं पर्व त्यौहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी थाना अध्यक्षों को क्षेत्र में नियमित गश्ती करने एवं असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की बात कही गई। सदर SDO ने कहा कि विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए थाना अध्यक्ष को शांति समिति के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर पप्पू यादव, धूरी यादव, मोहम्मद महबूब आलम, प्रोफेसर रोज अली, प्रकाश चंद्र गुप्ता, जावेद तकी समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर के नाथनगर स्थित तालाब में स्नान करने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान चंपानगर निवासी मोहम्मद जहांगीर के पुत्र हसन साकिब के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक हसन शुक्रवार की सुबह मखदूम सा दरगाह घाट स्नान करने गया था। इसी दौरान पैर फिसल जाने के क्रम में वह गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद तालाब के समीप कार्य कर रहे कुछ बुनकरों की नज़र डूब रहे युवक पर पड़ी। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नाथनगर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुत्र की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। लेबर कोड बिल के खिलाफ वाम दलों के नेतृत्व में शुक्रवार को भागलपुर के घंटाघर चौक से मजदूरों ने आक्रोश मार्च निकाला। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मजदूरों का जुलूस जिला अधिकारी कार्यालय परिसर पहुंचा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सरकार द्वारा श्रम कानून को खत्म कर लेबर कोड बिल लाने को मजदूरों के अधिकार का हनन बताया। Act 2, Act 2 एवं सेवा से जुड़े मजदूरों ने सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की और कहा कि यह बिल मजदूरों को फिर से सामंती और जमींदारी प्रथा के युग में वापस ले जाएगा। वाम दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मजदूर इस लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट हो चुके हैं और मजदूरों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर SK शर्मा, RN ठाकुर, सुधीर शर्मा, मुकेश मुक्त, दीपक कुमार, श्वेता चौबे, दशरथ प्रसाद, माधुरी सिन्हा समेत तमाम ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी एवं मजदूर मौजूद थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ
पहुँच कर आयोजन को सफल बनाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के मोक्षदा बालिका इंटर स्कूल में शुक्रवार को नगर विधायक अजित शर्मा ने उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत आयोजित स्मार्ट क्लास का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विधायक ने सभी बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट क्लास योजना का लाभ लेने और शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की बात कही। डिजिटल माध्यम से बच्चों की शिक्षा में निखार आए, इसको लेकर विधायक अजित शर्मा एवं RDDE मोहम्मद मसलेउद्दीन ने शिक्षकों के साथ सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी और सरकार के उन्नयन बिहार योजना के उद्देश्य को पूरा करने की बात कही। इससे पूर्व विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्राओं ने अतिथियों का स्वागत बुके देकर एवं स्वागत गान से की। प्राचार्य विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि आज बच्चे डिजिटल माध्यम से बातों को आसानी से समझ या सीख पाते हैं और स्मार्ट क्लास के माध्यम से पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे छात्राओं के साथ शिक्षकों के लिए भी लाभदायक होगा। कार्यक्रम में सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी शिव कुमार ने छात्राओं को स्मार्ट क्लास से संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर पार्षद संजय सिन्हा समेत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका एवं काफ़ी संख्या में छात्राएँ मौजूद थीं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में शुक्रवार को पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च काउंसिल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा ने की। चारों संकाय के डीन और सभी PG विभागों के हेड के साथ हुई बैठक में मुख्य रूप से UGC के संशोधित शोध रेगुलेशन 2009 और 2016 पर चर्चा हुई। वहीं कुलपति ने रिसर्च मैथडोलॉजी कोर्स पास छात्राओं के PhD पंजीयन संबंधित शोध प्रस्तावों पर विचार करते हुए सभी डीन और हेड को सोमवार तक अप्रूवल देने का निर्देश दिया। बैठक में संस्कृत के शोध को हिंदी में लिखे जाने के कारण तत्काल स्थगित कर दिया गया। PGRC की बैठक में डिलीट समेत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा, प्रति कुलपति प्रोफेसर रामायतन प्रसाद, प्रॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास, प्रोफेसर इकबाल अहमद, PRO डॉक्टर SD झा समेत PG विभाग के विभागाध्यक्ष मौजूद थे। भागलपुर के सदर अस्पताल सभागार में पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को सघन यक्ष्मा रोगी खोज अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह, ACMO डॉक्टर अरुण कुमार ओझा, CDO अरुण कुमार सिन्हा एवं JLNMCH TB विभाग के डॉक्टर DP सिंह ने भागलपुर समेत पूरे देश को TB मुक्त बनाने से संबंधित जानकारी दी। इस दौरान साल 2025 तक भारत को TB मुक्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वास्थ्य विभाग की मुहिम को तेज करने की बात कही गई, जबकि भागलपुर को 2023 तक TB मुक्त करने का संकल्प लिया गया। डाटा एनालिस्ट आशुतोष कुमार ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं ANM स्कूल की छात्राओं को TB जांच एवं लोगों को इसके बारे में जागरूक करने से संबंधित जानकारी दी, जबकि कई विशेषज्ञों ने भी कई जानकारी दी। अगले 15 दिनों तक रोगी खोज अभियान चलाने के साथ जिले में 78 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की भी बात कही गई। इस मौके पर डॉक्टर AK मंडल, DPM फैजान अशरफी, वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक आराधना, STS कुमार जितेंद्र प्रसाद समेत कई स्वास्थ्य कर्मी एवं ANM की छात्राएं मौजूद थी। भागलपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन की ओर से हरियाली तीज उत्सव को लेकर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष कुंज बिहारी झुंझुनवाला ने कहा, रविवार को चुनिहारी टोला स्थित टिवड़ेवाल भवन में हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसमें महिलाओं के द्वारा कई स्टॉल एवं प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं पर्दे में रहती थी, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ और मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने अपनी कला एवं योग्यता के बल पर व्यवसाय से जुड़ी है। हरियाली तीज में अपनी कला एवं व्यवसाय की प्रदर्शनी लगाने के साथ आपस में खुशियां बांटती है। ज्योति खेतान एवं सारिका जैन ने कहा कि कार्यक्रम में हस्तकला से निर्मित वस्तुओं, खिलौने, उपहार एवं वस्त्रों के साथ मनोरंजन के लिए भी कई स्टॉल सजाए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंत्री संजय जैन, प्रभा कोटरीवाल, रश्मि केडिया, सुचिता अग्रवाल, नीलम डालमिया एवं चांद झुंझुनवाला भी मौजूद थे। विगत वर्षों से हरियाली तीज के कार्यक्रम को हमने आयोजन निश्चित किया है। इसमें हमारे समाज की महिलाओं द्वारा अपने द्वारा बनाए हुए सामान
और उसको डिस्प्ले करना, मार्केटिंग करना, उसको हाईलाइट करने के लिए हमारा कार्यक्रम होता है। सावन का महीना जो होता है वो बहुत ही हर्षोल्लास का होता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और वर्षा पे ही हम लोग की कृषि निर्भर है। तो इस उल्लास को मनाने के लिए भी हम लोग हरियाली तीज का आयोजन करते हैं, साथ ही अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, वो अपने घर में कुछ कुछ करती हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। हमारे ये प्रोग्राम 4 अगस्त को रविवार को मनाया जा रहा है, जो कि टिपरेवाल धर्मशाला में एसी हॉल है, वहीं पर ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में हम, जैसे हमारे मारवाड़ियों में अगरवालों में सिंधारा बोल के मनाया जाता है, तो हम लोगों ने एक छोटी सी जगह पे अपने समाज की औरतों को इकट्ठा करके मिलजुल कर ये तीज का सिंधारा, जो कि हम इसे हरियाली तीज भी बोलते हैं, ये मनाने की कोशिश की है। इन दिनों चोरों के हौसले काफी बुलंद है। बांका के अमरपुर में गुरुवार की रात चोरों ने बाटा शोरूम और घर से करीब 10 लाख रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गया। घटना को लेकर पीड़ित शोरूम संचालक उमा शंकर शाह ने कहा कि 31 जुलाई को बेटी को पहुंचाने उसके ससुराल दरभंगा गए थे। वहीं 2 अगस्त की सुबह पड़ोसी ने शोरूम और घर का ताला टूटा देख फोन से सूचना दी, जिसके बाद घर पहुंचने पर सारा सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित ने कहा कि चोरों ने सोने चांदी के जेवरात, नगद एवं कीमती सामानों की चोरी की है। वहीं पीड़ित ने घटना की सूचना अमरपुर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। तो हम तो थे ही नहीं, कोई सूचना दिया हमने पड़ोसी कि ताला तोड़ा हुआ है। जब हम आए देखे तो हमारा लॉकर टूटा हुआ था। 18 भर जेवर और 25 भर चांदी और 25,000 रुपया नगद और कपड़ा। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर स्थित ANM स्कूल में अमानत ज्योति कार्यक्रम के तहत DMT आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को केयर इंडिया की ओर से आयोजित किया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर निंकुश अग्रवाल ने विभिन्न प्रखंडों से आए GNM एवं ANM को प्रशिक्षण दिया। इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच के तहत आयोजित कार्यक्रम में ILA मॉड्यूल के माध्यम से कई बातों की जानकारी दी गई, जिसमें कमजोर नवजात शिशु की पहचान एवं देखभाल, कुपोषण की रोकथाम के बारे में बताया गया। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। शराबबंदी के बाद भी नहीं थम रहा अवैध शराब का कारोबार। भागलपुर पुलिस ने 3,000 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आत्मा द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा, आगामी कार्य योजना को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले में 35,000 सीटें खाली, ऑनलाइन एडमिशन में छात्र नहीं ले रहे रुचि। पर्व त्योहार को लेकर सदर SDO ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, सुरक्षा एवं साफ सफाई सहित कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। और भागलपुर में स्नान करने गए युवक की तालाब में डूबने से हुई मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।